नमस्कार, पत्रिका पोल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज का विषय है पत्रिका पोल बुलेटिन में, क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में जो करीब दो दर्जन तीन दर्जन जो हॉट सीटें हैं उन पर घेर कर रखना चाहती है। शायद इसीलिए डॉक्टर रमन के सामने वोरा को उतारने की तैयारी है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। पहले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री अटल श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार कौशिक साहब, जो कि बिलासपुर जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले आपका प्रश्न, आपसे प्रश्न लेता हूँ अटल जी, क्या रणनीति है ये, इसे क्या माना जाए, किस तरह का ये स्ट्रोक हुआ? देखिए, पूरा प्रदेश चुनावी मोड में आ चुका है और दोनों पहलवान अपने अपने दांव खेलेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस की तैयारी पिछले चार सालों से चल रही है और 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की इनकम्बेंसी, किसानों की जो हालत है उसको लेकर, बेरोजगारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेरोजगार परेशान है और पूरे छत्तीसगढ़ में अराजकता की स्थितियाँ हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम लोग की कोशिश होगी कि इनके सभी जो इनके सर्वे कहते हैं वो भी ये कहते हैं कि 20-22 सीट से ज़्यादा नहीं पा रहे, तो हमारा ऐसा मानना है कि इस बार क्लीन स्वीप कांग्रेस की होगी और बहुत लंबी मेजोरिटी से कांग्रेस चुनाव जीतेगी। इसमें जो रणनीति अपना रहे हैं कि आप मिनिस्टर्स के सामने एक अच्छी प्रोफाइल के कैंडिडेट को ला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के सामने आप सीनियर पॉलिटिशियन सीनियर एक्स चीफ मिनिस्टर को आप लेके आ रहे हैं वोरा साहब को, ऐसा जो महेंद्र साहब ने कहा कल परसों। देखिए, कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटेजी है और मेरा ऐसा मानना है कि बड़े नेताओं द्वारा कुछ सीटों पर जरूर ऐसी बातें हो रही हैं जहाँ पर उसको चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो परिस्थितियाँ हैं, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट जो कि कांग्रेस के लिए संघर्ष किया है, कहीं से भी किसी भी नेता के अगेंस्ट चुनाव लड़ेगा वो जीतने की स्थिति में होगा। जो आप जो जिसको कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट्स हैं जहाँ पर बड़े बीजेपी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में ऐसा मानता हूँ कि पूरे प्रदेश में 90 में से 8 से 10 सीटें ऐसी होंगी जहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो बहुत रसूखदार ऐसी 20 सीटें, मीडिया ये मानता है कि ऐसी 20 सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जिसका भी हो, बीजेपी इसलिए जो सरकार में है इसलिए हमने बीजेपी की ऐसी 20 सीटें निकाली हैं जहाँ पर बीजेपी को हिलाना थोड़ा कठिन होता है जी। तो वहाँ की तैयारी को लेकर जैसे ही ये बात आती है कि मोतीलाल वोरा डॉक्टर रमन सिंह के सामने लड़ेंगे और भी कई दिग्गजों को लड़ाने की बात की, महंत ने साफ साफ कहा है कि हमें इस बार पार्टी इस बार सरकार को पलटना है। महंत जी हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं तो उनकी बात को मैं नकार नहीं सकता हूं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मोतीलाल वोरा जी का कद बहुत बड़ा है। वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो आगे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे मुझे ऐसा नहीं लगता है। पर फिर भी राजनांदगांव की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है और कांग्रेस की उसकी राजनांदगांव सीट को लेकर अपनी अलग स्ट्रेटेजी है जो आपको कुछ 10 तारीख के आसपास खुलेगी कि कहां पर होगा। और देखिए, जब भी इंपॉर्टेंट सीट्स आप मानते हैं, पिछले बार इनके विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी चुनाव हार गए थे, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी अभी से प्लान है कि कहां से किसको चुनाव लड़ाना है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होंगे, क्या चीज़ें वहां पर काउंट करेगी, तो उसकी स्ट्रेटेजी की प्लानिंग हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं ने करके रखी हुई है। आपके नेता प्रतिपक्ष भी हारे थे पिछली बार जी। कौशिक जी, आपकी क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर ऐसी रणनीति अपनाई जाती है घेरने की? बड़े जो दिक्कत है आपकी उनको अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एंगेज कर दे कांग्रेस, बड़े बड़े लोगों को उतार करके, तब मेरे दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के जो भी अपने कैंडिडेट्स रहेंगे जिसको हमारी चुनाव समिति घोषणा करेगी, उसमें हर एक जो उम्मीदवार है इस बार ठोक बजा करके और अच्छे से अच्छे उम्मीदवार पार्टी दे रही है और हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, चाहे विपक्ष में कितना भी बड़ा हस्ती पार्टी के अपने विरोध में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएंगे, उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो सब सक्षम है। हमने विकास किया है, विकास के नाम पे सारे क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले ले, कृषि के क्षेत्र में ले ले, नगर विकास का ले ले, उद्योग धंधा के बारे में ले ले, टेक्नोलॉजी के बारे में ले ले, सभी विकास हमारा, यही विकास जो है हमें जीत के ओर अग्रसर करेगा और किसी भी प्रकार के कोई भी प्रत्याशी आ जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सामने कौन आता है उससे हमको, हमारी तैयारी कौन आता है इससे नहीं है,
हमारी तैयारी, हमने विकास किया है और हमारा प्रत्याशी अच्छे छवि का है, उसके सामने कोई नहीं टिकेगा, ऐसा हमारा मानना है। और तो इसमें तो हमारा कहीं पर ये सोच ही नहीं है, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, अटल जी बड़ा आ जाए, छोटा आ जाए। अटल जी, अगर महेंद्र जी की बात को माने तो उस लिहाज से भूपेश बघेल जी को राजेश मिनट के सामने आना चाहिए। देखिए, भूपेश बघेल जी का अपना एक चुनाव क्षेत्र है और वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। पूरे चुनाव के दौरान मुझे नहीं लगता है कि भूपेश बघेल जी अपने क्षेत्र पर रहेंगे, क्योंकि उनको 90 सीटों पर ध्यान देना है। वहाँ की जनता, वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो पूरे 90 सीट में चुनाव प्रचार करें और वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको चुनाव देते हैं। मुझे नहीं लगता कि भूपेश बघेल जी को सीट बदलनी चाहिए। सीटों में बिलासपुर सीट जी। देखिए, बिलासपुर में तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बिलासपुर में कांग्रेस का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी चुनाव जीत सकता है। जो बिलासपुर की स्थितियाँ हैं, बिलासपुर का नाम खुदापुर हो गया है, यहाँ नसबंदी कांड हुआ, बिलासपुर का इतना गंदे तरीके से डेवलपमेंट विकास का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कमीशन खोरी का काम, जो यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हर जगह कमीशन खोरी है, इतने सारे कांड हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता इस बार अमर अग्रवाल को की जमानत जब्त करा देगा, मेरा तो ऐसा मानना है। किला ढा सकती है। हाँ जी, अभी अभी यहाँ पर जो लड़ाई होगी वो पैसे से और पसीने की लड़ाई होगी। इस बार देखना है कि जनता पैसे को जिताती है कि पसीने को जिताती है। कुछ यहाँ पर आपके पूर्व सहोदर पार्टी के जो भी जी का प्रभाव इस जिले में, उसको कैसे कम कर रहे हैं? देखिए, आप जिले की बात करेंगे तो मैं शहर की बात करूंगा। शहर में जोगी जी का कोई प्रभाव नहीं है। जहाँ तक प्रदेश महामंत्री के हिस्से से आपको जिले की बात, हाँ जिले, और जहाँ तक जिले की बात करते हैं तो जोगी जी ने अपने आप को खुद ही बसपा के हाथ सौंप दिया है, और बसपा और जोगी जी का वोट बैंक एक ही है, तो मुझे कुछ नहीं लगता है, क्योंकि जो जोगी जी का और बसपा का वोट बैंक है शेड्यूल कास्ट, उसमें 10 सीटों पर से 9 सीटों भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो भी नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को होगा, कांग्रेस को उससे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। तो ये आज का विषय था हमारा कि क्या फर्क डालेंगे अगर कांग्रेस बड़े दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और बाकी उनके दिग्गजों के सामने उतारती है, तो क्या छत्तीसगढ़ का चुनाव और इंटरेस्टिंग हो जाएगा? कल हम फिर बात करेंगे कल के नए दो विषयों पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.